back to the vlog and I hope you all are good. So am I. और क्या चल रहा है आज? आज है फ्राइडे, बस वीकेंड का इंतजार रहता है कि कैसे फ्राइडे आ जाए. फ्राइडे रात आए तो सैटरडे संडे इन्जॉय करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि इन तीन चार दिनों से ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बन पाया. और रही बात खाने की, तो अभी जस्ट मैंने किया है ब्रेकफास्ट और बज रहा है अभी 12:15. तो मैं उठी थी 10:30 के टाइम पे, तो आज पूरी घर की साफ सफाई की है बहुत अच्छे से. और आज मैंने चार दिन बाद अपने प्लांट्स को पानी दिया, प्लस मैं दो प्लांट एक्स्ट्रा लेके आई हूँ. मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ट्यूलिप के प्लांट हैं. अब वो पता नहीं, उसने बोला था कि मेरे ख्याल से वो होंगे, ग्रो करेंगे 15 दिन के अंदर. बहुत लोग ने लिया था तो फिर हमने भी ले लिया, लेट्स सी क्या होता है. तो फर्स्ट अपडेट इज़ येस, मेरी जो एलर्जी थी वो इज़ क्वाइट गुड, मतलब नज़र ना लगे टच वुड, तो मतलब ठीक है अभी थोड़ी बहुत. फिर भी मुझे 20 डेज में डॉक्टर के पास जाना है. ये है ये पहला अपडेट. और सेकंड अपडेट ये है, सैटरडे और संडे में भी हम लोग के दो प्लान्स हैं. प्लान्स एज इन यार मैं बोलती क्या हूँ, मतलब प्लान ये है कि हम कहीं घूमने जाएंगे, मैंने ऐसा सोचा है. और एक तो हमारे मार्केट के सामान है, मैंने ब्लाउज दिया था उसको वो लेके जाना है, जो मेरी नई साड़ी मैंने ली थी गणेश चतुर्थी के टाइम पे, तो वो मुझे अपना ब्लाउज का करवाना है, प्लस छोटे मोटे सामान लेने, तो वो सब चलो बाद में होता रहेगा. तो आज मेरा प्लान यही है, सबसे पहले प्लांट्स को हमने दे दिया है पानी. और अभी मैं आपको अपना नया वाला प्लांट दिखाती हूँ कैसा है. ये है ट्यूलिप का प्लांट, एक ये कलर इसमें ऐसा आएगा, ये तो सूख गया है यार ये वाला, मैं इसमें पानी नहीं डाला था तो कोई नहीं, आज ही डाला है मैंने अभी पानी. और ये आएगा आपका कैमरे में, अभी आपको लग रहा है कि ये ग्रीन ग्रीन सा, बट येल्लो है, येल्लो आएगा, तो ऐसा उसने बोला है. प्लस ये प्लांट तो ठीक चल रहा है अभी. और ये वाले में हमको अभी पहले इसका ये पॉट लेके आना है, क्योंकि हम लोग छोटे पॉट ले, बट एक ये सूख गया है. यही इसके सामने थोड़ा प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि इससे पहले वाला प्लांट भी मेरा ऐसा ही हुआ था. तो दिस इज़ इट. एंड मनी प्लांट तो अभी सही चल रहा है. प्लस मैंने एक चीज़ और की है, मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने ना धनिया उगाया था, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक बार ट्राई करते हैं. तो मैंने यहाँ पर उसमें साफ़ सफाई की थी, ऑल दो ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया उगाने की कोशिश की है. सूखा धनिया है, मैंने उसमें डाल दिया है, प्लस इस वजह मैंने आज ही पानी दिया है. ये अभी एक हफ्ता ही हुआ है, बट कुछ अभी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेन बात क्या है ना, यहाँ की मिट्टी आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा गीली है, और यहाँ पे कहीं भी आप जाओगे आपको सूखी मिट्टी मुझे तो कहीं नहीं दिखी. अगर किसी को पता है तो कोई मुझे बता देगा ये ब्लॉग देख के, बट ये वाली जो गीली मिट्टी है पता नहीं इसमें होगा नहीं होगा. तो मेरा प्लान ये था कि यहाँ पे मैं सारा, ये देखो अंडे के चिक्कल मैंने ऐसे रखे, ये क्यों रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ना ये पूरा जो है खुला हुआ है, तो यहाँ से छिपकल ही आती है, तो मुझे बड़ी डर लगती है. तो मुझे, मैंने यूट्यूब में देखा था कि अगर आप ऐसे अंडे के छिपकल जो है आप इसको किसी भी कॉर्नर में रख दो, वरना स्मेल आई अगर मैं अंदर रखूँगी. अंदर तो वैसे उठा चली आई नहीं, बट यहाँ मैंने ऐसे करके रखा था कि यहाँ से अंदर ना आ पाए. तो बस ये है, और जब धनिया होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. मेरा बर्थडे मंथ शुरू होने वाला है, विच इज़ इन अक्टूबर फर्स्ट वीक. और मेरी शॉपिंग तो अभी तक का ऑनलाइन हुई है. सो गाइज यार आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने जो मंगाया है, अगर वो बर्थडे तक का पहुंच गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंचा तो पता नहीं क्या होगा, देखेंगे. बट मुझे इस सैटरडे संडे अपने लिए एक बेली यार मैंने देखी, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखी, बट इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मुझे थोड़ा शू या कुछ ऐसा टाइप का लेके आना है. प्लान आपको तभी पता चलेगा कि क्या होगा बर्थडे में, वी हैव येट नॉट डिसाइडेड कि एग्जैक्टली क्या होगा, तो वो आपको बाद में बताते रहूँगी. और आज एक दो नई चीज़ें मैं ट्राई करने वाली हूँ, सिंपल वाला एक पनीर और शाम को डोसा, तो उसकी भी रेसिपी मैं इसमें डालूंगी आज. ठीक है, बनने जा रहा है काजू पनीर, तो इसके लिए हमें चाहिए पनीर. और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्याज काटा है, यहाँ पे मैंने चार बड़े टमाटर रखे हैं जो कि आपको फुल काटे, इसे मैंने बस अदरक डाला है और दो हरी मिर्च डाली है. ये है मैंने काजू का पेस्ट बनाया जो कि थोड़ा सा ऐसा रहेगा, थोड़ा मोटा मोटा, पतला नहीं करना है. इसका जो मैं अभी आपको बताऊँगी क्या स्वाद आएगा वो बाद में. और यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम दिया है मदर डेरी का, तो बस ये सारी चीज़ें चाहिए और जो आपके बेसिक मसाले हैं उससे हम बनाएंगे पनीर. मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हींग, उसके बाद हम डालेंगे डायरेक्ट प्याज. प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इट्स डन. तो अभी जो प्यूरी है ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगी. तो गाइस यहाँ पे टमाटर हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसमें हल्की सी अपन चौक हल्दी, और यहाँ पे आपको डालनी है मिर्ची, जितना भी आप खाते हैं मिर्ची उतनी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा कम रखती हूँ. और यहाँ पे मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इतनी मैंने यहाँ पे डाल दी है. प्लस इसमें जाएगा अब गरम मसाला, वो भी आपको थोड़ा ही रखना है. बस बस इज इट. इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ईजी है यार ये तो, मतलब बच्चों वाली रेसिपी जैसे लगती है. अगर आप कोई आपके घर पे गेस्ट करें तो फटाफट बना, 5 मिनट बना सकते हो आप, तो ये मुझे बेस्ट लगता है. अब इसमें मैं थोड़ी देर में आफ्टर 2 मिनट्स इसको थोड़ा सा मसालों को मिक्स होने देती हूँ, उसके बाद में इसमें काजू वाला पीस डालूंगी और क्रीम डालूंगी और थोड़ा सा दूध डालूंगी. मैंने यहाँ पे काजू का मसाला काजू जो पीसे हुए थे वो डाल दिए और हल्का सा दूध डाला है, तो इसको पहले हम हल्के से मिक्स कर लेंगे. आप चेंज देख सकते हैं, और अभी क्रीम डाल के तो इसका स्वाद और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा.
सो गाइस 5 मिनट्स हो गए हैं, अब मेरा यहाँ पे टाइम है क्रीम डालने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये छोटा वाला क्रीम लिया है, तो इसका हाफ मैं डालूंगी, देखती हूँ कितना अभी और नीडेड है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, अब हम इस पे नहीं डालेंगे। और अगर आपको ये बहुत वाइट लग रहा होगा तो अभी थोड़ी देर पकते पकते इसके मसाले सेटल डाउन हो जाएंगे और ये कलर दोबारा हल्का वैसी हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे धनिया नहीं है तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है, और आपको इसको ज़्यादा नहीं पकने देना है, बस हो गया 2 से 3 मिनट तक। और सीधे पनीर इसमें ऐड करना है, पनीर जब डाल दोगे तो उसके बाद भी ज़्यादा नहीं पकाना है, ओनली फॉर 1-2 सेकेंड, उसके बाद बस इसको सिम करना है क्योंकि मसाला जो है ऑलरेडी हमारा पक गया है। सो गाइज मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया, आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी हो गया है, तो आप इसकी थिकनेस आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसको मैं करूँगी बाद में सर्व हिमांशु को अच्छे से, जब हम दोनों साथ में बैठेंगे खाना खाएंगे फिर देखते हैं कैसा लगता है, बट ये बहुत सिंपल पनीर है। गाइस आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और हमारे सामने यहाँ पे काम चल रहा है काफ़ी दिनों से, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ हिमांशु का, तो हिमांशु का आने का बिल्कुल टाइम हो गया है। तो यस मौसम बहुत सही है यार आज, यहाँ पे मैंने सारा सेटल डाउन कर दिया है, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं लंच में, और यहाँ पे टीवी भी खोल दिया ताकि हिमांशु को कम टाइम मतलब ज़्यादा टाइम मिले बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टीवी खोलने में ना पहले से। अभी हम घर वापसी देख रहे हैं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ खाना, बच गए हैं 2-3 मिनट है। यहाँ पे तिरुपति का प्रसाद मिला है जो कि आई कांट ईट टुडे, और हम इसको भी ऐसे रखते हैं और फिर खाएंगे जब थोड़ा ठीक हो जाएगा। गाइस मैंने यहाँ पे नारियल तोड़ने कच्चे नारियल मेरे पास था जिसकी चटनी मुझे बनानी थी, तो मैं हथौड़ा ये सारी चीज़ें लेके आई थी, तो मुझसे नारियल बस इतना सा ही निकला। तो मैंने एक ट्रिक देखी थी यूट्यूब में, किसी ने डाला हुआ था कि अगर आप जो कच्चा नारियल होता है अगर वो ईजी से निकलता नहीं है तो उसको आप पानी में डिप कर दो गर्म पानी में, तो उसके बाद जो उसकी लेयर है वो निकल जाती है। अब लेट्स सी अगर ये सच है झूठ है, मैं भी आज ट्राई कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको गर्म पानी में ऐसा रख दिया है फॉर 2-3 मिनट्स, और यहाँ पे इसका इतना पानी निकला है जो कि हम लोग पी सकते हैं आराम से, इसको थोड़ा सा छान लेंगे अच्छे से। और ये था, ये हमारा पूजा का नारियल था, तो यार मैंने सोचा कि इसको निकाल देती, और इसकी ना जो कच्चे वाले नारियल होते उसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है, तो यू कैन सी ये साइड में इसकी जो लेयर है वो निकल भी रही है हल्की हल्की, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, फिर देखते हैं। अगर थोड़ा सा इनको धूप देनी चाहिए, ये वाला सूख रहा है यार बहुत ज़्यादा, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको भी बाहर रख दिया। इसका भी 1-2 पत्ते येलो से होने लग गए हैं, आई डोंट नो ये कैसे होगा, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है फिर येल्लो हो जाते हैं, तो ये और ये वालों को भी रख दिया थोड़ी बहुत आधा ही घंटा थोड़ा सा धूप में, एकदम मे बी सनलाइट। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी यार, बहुत ही अच्छी, मतलब 5 मिनट में आप देख सकते पूरा नारियल मैंने छिल दिया अच्छे से, और बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम होती तो आप थोड़ा सा इसको गर्म पानी में डाल दो और 5-2 मिनट्स के लिए ऐसे रख दो, उसके बाद आराम से आपका पूरा अच्छे से नारियल हो जाएगा। तो ये मेरी शाम की तैयारी है। सो गाइस ये वाली चिड़िया आप देख सकते हो, ये इसके बच्चे हुए हैं यहाँ ऊपर, और इसके साथ की एक और है वो उड़ गई है, तो ये हमारी बालकनी में इसने यहाँ पे अपना नेस्ट बनाया ऊपर इसी के वहाँ पे, बच्चे भी इसके यहीं पे, एक बच्चा तो उसका मर गया था, ये देखो दूसरी भी आ गई। इसलिए मैंने चावल रखे थे बट ये पता नहीं खाती नहीं है क्या, मैंने वहाँ पे साइड में रखे थे वॉश बेसिन के पास भी, और उसके सामने यहाँ पे भी रखे हुए थे, मैं उठ गई हूँ, मतलब 15-20 मिनट में थोड़ा सा लेटी थी कि अभी मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी यार, तो मैंने लगा क्या मंगाऊँ, पहले मैंने जोमैटो चेक करा तो मुझे लगा इसमें टाइम लगेगा आने में, और मुझे लग रहा था थोड़ा सा मुझे ऐसा कुछ मिल जाए पैनकेक टाइप्स वाला, तो बहुत टाइम हो गया यार, मतलब आई थिंक पिछले साल ही खाया होगा मैंने, उसके बाद तो मैंने टच भी नहीं किया पैनकेक, तो आज मैंने सोचा कि घर पर सारी चीज़ पड़ी है तो मैं फटाफट अपने एक तो बना लेती हूँ, क्योंकि मांचू को बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा, मतलब मैं चावल से नहीं खाता, बट ठीक है अभी मैं पहले बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर बैटर बना के रख दिया है। तो ये है मेरा बैटर जो कि इज़ रेडी, बस अब हम इसको छोटे छोटे से 2 पैनकेक मेरे या 2 या 3 पैनकेक इसमें बन जाएंगे विद दिस हर्शी सिरप। तो एक पैनकेक मैंने डाल दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा बटर ग्रीस करके बस एक और बन जाएगा मेरा, तो मैं आप जब पूरा बन जाएगा फिर दिखाऊंगी आपको। सो गाइस माय पैनकेक इज रेडी, और अभी मैं इसको थोड़ा सा खाऊंगी विद चॉकलेट सिरप, दिस टेस्ट लाइक हेवन यार, मुझे इतना टेस्टी लगता है। एक मेरा ये बन रहा है, तब तक मैं अपना ब्लॉग देखते देखते इसको खाती हूँ और इसको इंजॉय करती हूँ।
Now I am going to taste it. Do you want to get our anus? So 11800 right now is ground, and it's labeled KGEU ground, KGEU tower. मज़े जन्नत है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ गौरव तनुजा का ब्लॉग, मुझे इसके ब्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आई एम एंजॉयिंग दिस मील। जल्दी आपको बात करते हैं। तो गाइज़ अब हमारा हो रहा है डिनर शुरू। तो ये मैंने फ्रेश कड़ी पत्ता मंगा लिया है और धनिया मंगा लिया है, तो बैटर की तैयारी अब करते हैं डोसा बनाने के लिए। तो चलिए आपको भी मैं दिखाते रहूँगी कैसे कैसे बनेगा। तो गाइज़ अभी जो मैं बेसन का, आप सोच रहे हो कि बेसन बोल रही हैं, क्या बोलते हैं, जो मैं अभी आप डोसा बना रही हूँ वो बना रही हूँ चावल के आटे का। तो आज ये ट्रिक मैंने यूट्यूब से देखी थी कि कैसा बनता है, तो वही मैं भी आज ट्राई करने वाली, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा है क्या है। तो अभी मैंने कड़ी पत्ता और प्याज और धनिया को मिक्स कर लिया है, ये है मैं डालूंगी, और बैटर बहुत ही पतला बनाना है तो आपको वो भी दिखाते रहती हूँ। चलिए आ जाइए आप। सो दिस इज़ रेडी, नाउ इसमें मैं करूँगी मिक्स। गाइस बैटर रेडी हो गया है और ये है चावल का आटा। तो आपको इतना पतला थिकनेस इसकी रखनी है और इसको चलाते रहना है, क्योंकि चावल का आटा बोल रही मैं, आटा नीचे से बैठ जाता है, तो इसको हमें ऐसे ऐसे करके हिलाना है। यहाँ पे मेरा आलू का अंदर का मटेरियल रेडी हो गया है, तवा पैन को बहुत ज़्यादा गर्म हो जब तक धुआं नहीं निकलता। उसके बाद हम यहाँ पर ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और फिर इसको डालेंगे। लेट मी ट्राई, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, जब बनेगा उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी कि अच्छा है या बुरा है। तो गाइस मैंने एक बारी का डाल दिया है, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी नाउ। तो इसको मैंने अभी थोड़ा सा सिम किया है गैस को, लेट्स सी कैसे बनता है ये, और इसको ऐसे ही पकने देंगे फिर बताऊँगी। तो गाइस माय फर्स्ट डोसा इज़ रेडी विथ चटनी, चटनी मैंने फ्राई कर दी है और अब देखते हैं कि हिमांशु को मैं देती हूँ और कैसा लगता है, ये है ट्राई करना और बताना कैसा है। सच सच वाला पता नहीं कैसा और होगा, ठीक है, क्रिस्पी है, कैसा, सच सच बताना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी फर्स्ट टाइम है, सच में इतना टेस्टी है, मुझे भी खाना तो लगा थोड़ा सा। हाँ यार है ना, कैसा मस्त हो रहा ना, बट टाइम लग रहा है बनने में, धीरे धीरे होना, ठीक है। तो गाइस इसमें तुम्हें 10 out of 10 मिल गए हैं। हाँ चटनी को गीली करूँ, ओके सो चटनी गीली करने का ऑर्डर है, ठीक है करती हूँ। तो अब मैं दूसरा बनाती हूँ फटाफट, फिर आपको मिलती हूँ। माय डोसा इज रेडी, मैं हाफ डोसा और खा रही हूँ, ये डोसा मैंने बनाया और चटनी, सो लेट्स ट्राई। गाइस आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी मेरा चल रहा है काम, तो मैंने बस थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लिया था और मैं अब काम करना शुरू कर रही हूँ, तो अभी बज रहे हैं 12। तो अब मैं मिलती हूँ आपको कल, कल भी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसका व्लॉग मैं करूँगी और आपको पास आएगा। तो प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।